एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द शेड्स ऑफ निधि। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नायका की एक बहुत ही ह्यूज मेकअप हॉल। मेरे पास काफ़ी सारा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, सो वन बाय वन आई वुड बी शोइंग इट टू यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच आई गॉट फ्रॉम नायका इज दिस बायोडर्मा का माइसेलर वाटर। एक्चुअली मेरे को ये ऑफर में मिल रहा था, 1+1 था ये, एंड आई गॉट दीज टू बॉटल्स फॉर 990 रुपी। आई गिव इट अ ट्राई टू दिस वन एंड दिस एक्चुअली इज वेरी नाइस। मेरी इसकी जो सेकेंड बॉटल है वो आधी हो चुकी है, बहुत मेकअप करने लगी हूँ मैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस लॉरियल पैरिस का इनफेलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन इन अ पाउडर इन द शेड आइवरी, एंड ये मेरे को ऑफर में 879 रुपीज का मिला। एंड इसका जो फॉर्मुलेशन है काफ़ी अच्छा है, एंड अगर आप देखो मेरे स्किन पे तो एकदम से कैंसिल आउट कर देता है आपके जितने भी एक्ने मार्क्स वगैरह हैं। डेफिनेटली रिकमेंडेड। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 1099 का पड़ता है, बट ऑफर में मेरे को कम का पड़ा, सो आई जस्ट गॉट इट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइप में था। तो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दी नायका के प्राइमर्स। मैंने इसका एक मिनी भी मंगवाया है ट्रैवल पर्पज़ के लिए, एंड मैंने इसका एक बड़ा तो ऑब्वियसली मंगाया है, मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। एंड मुझे इसका फॉर्मुलेशन, इसकी सब चीज़ बहुत बहुत अच्छी कर देती, बहुत ही अच्छी लगती है। ये काफ़ी मतलब अंडररेटेड है। आप इसको स्किन पे लगाओ, आपकी सारी स्किन को इतना स्मूथ बना देता है, इतना बटरी बना देता है कि आपका जब भी आप फाउंडेशन वगैरह इस पर अप्लाई करोगे, कुछ भी आप क्रीम वगैरह अप्लाई कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्लाइड होती है और अच्छे से लगता है। ये ऐसे इस टाइप से अमाउंट में आप ले सकते हो, एंड इट्स एक्चुअली वेरी बटरी, वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे स्मूथ कर देता है स्किन को। अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे स्किन मेरी काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट सी हो गई है। छोटा वाला मिनी प्राइमर है, दिस कॉस्टेड मी 129 रुपीज़, एंड ये वाला मेरे को शायद ऑन MRP टाइप सी मिला, ये मेरे को 549 का पड़ा। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मामा अर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग काजल। लेट करके देखा तो ये देखो कितना अच्छा पिगमेंटेड लग रहा है, एंड ये इतना जल्दी मतलब आपके अंडर आइज पे नहीं पहुंचता है, मतलब इतना ड्राई आउट होकर नीचे गिरता नहीं है, सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो ये मेरे को पड़ा 275 रुपीज़ का। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ मामा अर्थ प्रोडक्ट। मैंने इसकी लिपस्टिक ट्राई करी है पहली बार, एंड दिस इज इन द शेड एक्सप्रेसो ब्राउन। ये बहुत ही ज़्यादा बटरी है, एंड बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मुलेशन हो रहा है। मतलब ये मैंने लिपस्टिक अभी ट्राई आउट करी थी, मैंने एक शॉर्ट्स को शूट किया था इसको लगा के, सो इट टर्नड आउट वेरी वेल। सो ये लिपस्टिक मेरे को पड़ी 449 रुपीज़ की। सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन दिस शेड सैंड सेबल। एक्चुअली मैंने इसको किसी वीडियो में देखा था एज अ रिकमेंडेशन, तो मैंने इससे परचेज किया, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई टू दिस ऑल्सो। इसको यहाँ पे लगाऊँ, दिस इज एक्चुअली वर्किंग नाइस। मतलब पैक से थोड़ा सा ये हार्ड कह सकते हो, पैक वाला जो है वो थोड़ा लिक्विडी है, क्रीमी है, ये इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है। सो ये कंसीलर मेरे को पड़ा 183 रुपीज़ का। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट इज फ्रॉम इनसाइट, एंड ये इनसाइट का कॉस्मेटिक ड्यूओ स्टिक है, एंड इसमें कॉन्टोर भी है एंड हाइलाइटर भी है। मैंने इसको 01 कैरमल शेड में मंगवाया है, तो कैरमली शेड है इसका, इफ यू कैन सी दिस इज अ कैरमली शेड, एंड ये मुझे काफ़ी मतलब मेरे स्किन टोन के साथ जा रहा है। The other side of this is a highlighter, and I would be using first time this kind of highlighter. Swatch it over here. Okay. Can you see the shine? ये काफ़ी मतलब अच्छा फॉर्मूला सा लग रहा है मेरे को, एंड दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड फॉर मी। एंड ये काफ़ी पिगमेंटेड सा है, एंड काफ़ी अच्छे से ये काफ़ी अच्छे से इसको बहुत ही स्पार्कली वो सब इफेक्ट दे रहा है, सो आई लाइक दैट। दिस कॉस्टेड मी 210 रुपीज। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ परफ्यूम आइटम विच आई गॉट, एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल परफ्यूम आइटम है। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इस रामसन के परफ्यूम के बारे में बात करते हुए, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। सो दिस इज द परफ्यूम बॉटल। इसकी पैकेजिंग वगैरह, इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी क्यूट और यूनिक है, एंड बहुत ही छोटी सी ये बॉटल है, छोटू सी बॉटल है ये, एंड आई गॉट इट फॉर 124 रुपीज़। बाय द वे ग्लास बॉटल है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। इसका बहुत ही अच्छी मतलब ऐसे फ्रेश सी, बीची सी वाइब सी इसमें आ रही है। सो द नेक्स्ट टू आइटम्स आर द लिपस्टिक आइटम्स विच आई गॉट फ्रॉम मेबलिन, एंड मैंने ये दो बुलेट लिपस्टिक्स मंगाई हैं। बात करते हैं इस बोल्ड क्रिम्सन की लिपस्टिक को, ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक लगी। स्वॉच इट ओवर हियर,
दिस बोल्ड रेड कलर लिपस्टिक. सो टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दिस लिपस्टिक, आई गॉट दिस लिपस्टिक फॉर 299 रुपीज. सुपर अफोर्डेबल, सुपर नाइस लिपस्टिक. यू जस्ट गो एंड बाय इट. द नेक्स्ट लिपस्टिक इज अगेन फ्रॉम मेबेलिन एंड ये मैंने मंगवाई है आलमंड पिंक में. ये मेरे को 329 रुपीज़ की पड़ी. आई डोंट नो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है पैसों का. सो लेट मी स्वॉच इट फॉर यू. सी दिस इज द शेड. इज अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक. मतलब एक सटल सा पिंक. एक होता है लाइट पिंक, एक होता है डार्क पिंक, एक होता है बिल्कुल सटल सा पिंक. मतलब जो बहुत ही मतलब प्रिटी एंड एलिगेंस शो अप करता है, ये वो वाला पिंक है. द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस मेकअप ब्रश सेट जो आप काफ़ी देर से मेरे वीडियो में देख रहे होगी कि दिख रहा है. सो दिस इज स्विस ब्यूटी का सिक्स फेस ब्रशेस सेट है. एंड इसमें आपका फाउंडेशन ब्रश भी है, आपका कंसीलर ब्रश भी है. इसकी काफ़ी लग्जूरियस सी पैकेजिंग है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी. काफ़ी मतलब इतने अच्छे इनका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है. एंड इफ़ यू कैन जस्ट सी इनके ब्रशेज भी काफ़ी अच्छे हैं. मतलब जो मैंने पहले मंगाए थे उनसे तो बहुत 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 ज़्यादा बेटर है. मतलब वो पता नहीं क्या ही थे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया है. तो ये मुझे ब्रशेस काफ़ी अच्छे लगे हैं. आई वुड बी यूजिंग इट नाउ. अगर आपके पास ये वाला ब्रश सेट है तो आपको और कोई अलग से ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे स्पूली वाला भी मिलता है ब्रश. एंड ये काफ़ी सारे आपके आए मेकअप के लिए ब्रशेस दिए हुए हैं. इसका एक्चुअल प्राइस 1099 रहता है, बट आई गॉट इट फॉर 681 रुपीज़, विच वॉज एक्चुअली वेरी नाइस. इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. तो अभी मैं रिसेंटली सरोजनी नगर गई थी एंड वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मेकअप की थड़ियाँ लगी होती हैं. तो वहाँ पर मैंने ये वाला सेट टंगा हुआ देखा ना. जस्ट आस्क भैया कि भैया कितने का है, तो भैया ने बताया ये 999 का है. मैंने कहा अच्छा, ये तो काफ़ी महंगा है यहाँ पे. तो इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी, अगर आप सरोजनी नगर से कोई ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई. मैं तो पर्सनली ट्राई नहीं करती हूँ. ब्रशेस वगैरह आप एक बार देख सकते हो क्योंकि वो आपकी स्किन को इतना कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बट जो आपके फाउंडेशन वगैरह वहाँ पे मिलते हैं ना, प्लीज़ डू नॉट बाय इट. सो दिस कम्स टू एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई थिंक मैंने काफ़ी सारा यूजफुल सामान आपको शेयर किया होगा. बाय द वे, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट. एंड इफ यू जस्ट लाइक माई कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.